हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा लाइफ की हमारी प्रायोरिटीज़ के रिगार्डिंग। इन अदर वर्ड्स कह लीजिए कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि हमारी लाइफ में एक्चुअल में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हम मोस्टली प्रेफरेबल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, हेल्थ, एनी अदर, फन, इंटरटेनमेंट, फैमिली स्पेशली। तो ये चार पांच छह चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में हमेशा सबसे मेन जो कहते हैं कि नंबर पे रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम। और अगर आज की जनरेशन की बात करें, जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, स्पेशली इंडिया लेवल पे हम कहेंगे, तो मेन फोकस हो रहा है मनी पे। मतलब सब लोगों को ज़रूरत है, या कह लीजिए कि मान लिया गया है ज़रूरत है कि सबसे ज़रूरी लाइफ में पैसा है। नो डाउट पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग टॉपिक आ जाता है। फिलहाल हमें ये समझना है कि लाइफ में जो हमने किस चीज़ को सबसे आगे या सबसे ऊपर रख लिया है, क्या वो उतना ज़रूरी है, या कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ पैसे की, या बात करूँ हेल्थ की, फैमिली की, फन एंटरटेनमेंट वगैरह सब चीज़ों की, इन चार चीज़ों की ही बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले जहाँ तक ओवरऑल आंकड़ा देखेंगे हम, तो वो माना जाएगा अप्रोक्सीमेटली मोर देन 70-80%, इवन 90% तक कह सकते हैं कि मनी को सबसे पहले माना जा रहा है। तो यहाँ पे हमें चेंजेस कौन कौन से करने पड़ेंगे अगर हमें अपनी जो लाइफ की चीज़ें हैं जो काफ़ी उथल पुथल जिनमें हुआ हुआ है उसको मैनेज करने के लिए। सबसे पहले तो हमें लाइफ की जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि अगर मनी 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 टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसके चक्कर में हमारी बाकी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हेल्थ, या फॉर एग्जांपल जो हमें अपने पेरेंट्स को, या हमें अपने बच्चों को, या अपनी वाइफ को, या अपने जो भी नज़दीकी जो रिलेशंस में है उनको टाइम देना है, तो कहीं ना कहीं क्या वो हम टाइम उनको दे पा रहे हैं? क्या वो हमारा सारा टाइम किसी और चीज़ में तो नहीं जा रहा है, मनी के अर्निंग में तो नहीं जा रहा है, या किसी दूसरे ऐसे काम, फन, एंटरटेनमेंट, मोबाइल, लैपटॉप में तो नहीं जा रहा है जिसका एक्चुअल में कोई लॉजिकल रीज़न ना हो? तो इसमें अमेंडमेंट्स क्या करने पड़ेंगे हम सबको? सबसे पहले ये अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, ये अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि सबसे पहली चीज़ हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। अब मनी अगर नहीं है, मान लीजिए मनी नहीं है, तो क्या है? क्या वो फैमिली है या हेल्थ है? तो यहाँ पर हम बात हेल्थ की करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये समझना भी है कि हेल्थ इज़ द थिंग जो आपकी लाइफ में सबसे पहले आती है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, हाँ, आप अपने रिलेशन मैनेज कर सकते हो, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स को संभाल सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ना तो आप मनी मैनेज कर सकते हो, ना ही आप अपनी फैमिली मैनेज कर सकते हो, और फन एंटरटेनमेंट तो वैसे ही आपके किसी काम के नहीं रहेंगे अगर हेल्थ ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो। तो यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं फैलाई जा रही, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि इन चारों पांचों चीज़ों को आपने एक सिस्टमेटिक वे से करना है। कि सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा हेल्थ को, अगर आप रख रहे हो तो वेरी गुड। अगर आप नहीं रख रहे हो, कहीं मनी उसके सबसे पहले आ रहा है, या स्पेशली आपके फन एंटरटेनमेंट, सो कॉल्ड मौज मस्ती सबसे पहले आ रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हेल्थ अगर नहीं आ रही है तो गड़बड़ है। तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए हेल्थ को। अगर मनी को भी रख रहे हो दैट इज ओके, बट हेल्थ से ऊपर नहीं है। हेल्थ के या तो पैरेलल उसको मैनेज करिए कैसे करना है, कि मनी को भी बहुत आप प्रेफरेंस दे रहे हो और हेल्थ को भी नहीं छोड़ रहे हो। अदरवाइज अगर आपको उसकी सिमेट्री बनानी है, तो सबसे फर्स्ट आती है हेल्थ, देन मनी आएगी, और मनी भी तब आएगी जब आप अपने रिलेशन मैनेज कर पाओगे। तो हेल्थ मैनेजमेंट है, यू कैन मैनेज योर मनी, यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस आल्सो, यू कैन मैनेज योर रिलेशंस। तो ये सारी एक सिस्टमेटिक वे से अगर है, तो सारी लाइफ आपकी अच्छी तरह से जाएगी। अगर ये मैनेज हिल चुका है, जो कि काफ़ी लोगों का ऑलरेडी हिल चुका है, मनी माइंडेड कह लीजिए या मैनेजमेंट जिनकी गड़बड़ हो चुकी है, और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है आप हो, जिनका ये सिस्टम सारा गड़बड़ है, तो सिस्टम को मैनेज करिए, इन प्रायोरिटीज़ को देखिए कि कैसे आपको मैनेज करना है। और ऑनेस्टली इट्स अ सजेशन, इट्स अ रिक्वेस्ट आल्सो, हेल्थ को सबसे पहले नंबर पर लेके आइए। अगर वो पहले नंबर पर है, बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, 20-30 साल अगर ज़्यादा जी लोगे, तो ज़्यादा मनी कमा सकते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, और अपने रिलेशंस को बेहतर कर सकते हो। और अगर हेल्थ अच्छी नहीं है,
ये सारी चीज़ें आपके हाथ में ना आएंगी, आएंगी तो चलो लाइफ में सारा कुछ परमानेंट तो नहीं रहना है, लेकिन जितना देर है, जितनी लाइफ भगवान ने लिखी, एटलीस्ट उतनी तो प्रॉपरली मैनेज करें ना, कि उसको 20, 30, 40 साल नीचे ले लें। थैंक यू।